की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करता है। सो गाइज, आप वीडियो को फुल देखिए तो समझ में आ जाएगा, और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर बना रखा है। तो चलिए हम आज के इस एप्लीकेशन में बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर प्ले स्टोर आ गया और प्ले स्टोर पर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं क्रेडिट बी। नहीं, ये नहीं चाहिए, मैं इसको कट करते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे क्रेडिट भी। क्रेडिट भी लोन ऐप जैसे लिखे सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक करेंगे, हम डाउनलोड कर लिए हैं। आप भी एक बार फिर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद नीचे आइएगा, इसके बारे में देख लीजिएगा, इसके और सब फीचरों के बारे में देख लीजिएगा। और ये खास बात है कि आप इसमें ये देख लीजिएगा कि इसका डाउनलोड क्या है। देखिए यहाँ पर इसकी इतना रेटिंग है, 552 मतलब 5,02,000 इतना लाख इसका रेटिंग है, और 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। इसका मतलब ये अच्छा है, और इसका रेटिंग भी रेट फॉर प्ले स्टोर ने 3+ दे रखा है, तो सही है। हम इसे इजीली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, चूज योर डिस्प्ले लैंग्वेज। आपको जिस लैंग्वेज में पसंद आता है उस लैंग्वेज में आपको इसमें कर लीजिएगा। आपको इंग्लिश नहीं आता है आप हिंदी कीजिएगा, आपको हिंदी नहीं आता इंग्लिश आता है इंग्लिश पर कीजिएगा। हम तो इस केस में इंग्लिश करेंगे, चलिए इंग्लिश कर लेते हैं। इंग्लिश करके कंटिन्यू किया, कुछ इस तरह का डेमो इसको मिलता है कि आपको कितना पैसा कितना चाहिए उस हिसाब से। 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, ऐसे कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100% जो भी आपको होगा ये ऑनलाइन ही होगा। गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और सीधे इसके पेज पर आ जाइएगा। जी हम वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, जब तक हम इसके पेज पे आते हैं। ये खुल रहा तब तक एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो इसको रिटर्न करने के लिए आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। बहुत यूट्यूबर ने बताता है कि रिटर्न नहीं करो, लेकिन रिटर्न तो करना ही पड़ेगा भैया आपको। जब तो यहाँ पर आ गया खुल के, गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉर्म इतना इतना बता रहा है। आप इसमें लॉगिन करना है, आप लॉगिन विथ मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। गूगल आई डी से हम तो मोबाइल से करेंगे। लॉगिन विथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब हम मोबाइल नंबर के पेज पे आएंगे, आप मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आएगा OTP को यहाँ पर इंटर कीजिएगा। मेरे को अभी तक OTP नहीं मिला, वेट करते हैं कब तक आता है OTP। हम मैसेज में आकर देख लेते हैं, नहीं मैसेज में OTP आ गया हो। अभी तक OTP नहीं मिला मेरे को। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि नोट रिसीव्ड OTP, गो बैक एंड रजिस्टर लॉग इन विथ फेसबुक और गूगल। जब मोबाइल नंबर से नहीं होगा तो आपको इसमें अपने जीमेल आईडी से करना होगा। चलिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, फिर दोबारा कहीं हो जाए तो। मोबाइल नंबर मैंने अपना डालकर इंटर किया और OTP का इंतज़ार किया। OTP नहीं आएगा तो फिर हम गूगल से करेंगे। अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपके केस में OTP आ गया तो फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिएगा, क्योंकि ईजी होता है। चलिए हम वेट करके देखते हैं। OTP अभी तक मेरे को नहीं मिला, तो लग रहा है कि नहीं मिलेगा OTP। आप रजिस्ट्रेशन में जाकर चेक कर लिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं। बैक आते हैं, फिर हम पेज पर आ जाते हैं और यहाँ से गो टू बैक पर चले जाते हैं। हम रजिस्टर यहाँ से बैक कर लेंगे इजीली और गूगल पर क्लिक करेंगे। गूगल पर क्लिक करने के बाद में आपके जितने भी जीमेल होगा वो जीमेल आ जाएगा। आप किसी एक जीमेल से लॉगिन कर लें। चलिए मैं किसी एक जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कुछ परमिशन मांगता है, आप इसमें एक बार इसे रीड कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं इसे एक्चुअली पूरा यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ, टर्म्स को एक्सेप्ट और आई एग्री पर क्लिक किया, यहाँ पे अलाउ किया, अलाउ। अब ये आइएगा अपने प्रोफाइल पेज पे, तो वेट करता हूँ तब तक ले।
ये आ गया, ये पासपोर्ट इसका आ गया। आप इसे अपना अप्लाई कर सकते हैं, चेक एलिजिबिलिटी, केवाईसी, प्रोफाइल डिटेल्स और रेफरेंस। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को आपको बताते हैं कैसे कीजिएगा। वीडियो पूरी देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आते हैं। गेट इंस्टॉल अप्रूवल पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम एक्सटेंडेड ईयर पेन और लास्ट नेम एक्सटेंडेड ईयर पेन, इसमें जो भी है अपना नाम, पेन नाम का पेन का आधार का जो पेन होगा या आधार होगा, ऐसे यहाँ पर पेन लिख रहा है तो पेन के नंबर पर ही आप दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना, नाम डाल के नेक्स्ट किया, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, मेरे केस में है 1-1, यहाँ पर आ जाएंगे हम 8-7-4-1 जून, और हम डेट बोर्ड एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि मुझे ना कंफ्यूज हो रही है। तो हम अपने पैन कार्ड में आएंगे और एक बार से हम डेट बोर्ड देख लेंगे कितना है। 1985 बैक आ जाएंगे, 1985 पे आते हैं। ये रहा हमारा 1985, 1 जनवरी 1985 को डन किए। यहाँ पर फेल जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको, मेल फीमेल। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना फीमेल और फिर इसे सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पर दबाता हूँ। आपके जो केस में हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में फिर आप नेक्स्ट कीजिएगा, अपना पिन कोड डालिएगा एड्रेस का जो भी आपका हो। आप यहाँ पर एम्प्लॉयड जॉब के लिए जगह सैलरी के सेल्फ एम्प्लॉयड हम सेलरी कर देते हैं। यहाँ पर सर्च कंपनी फॉर द लिस्टेड, अगर आपको कोई कंपनी में काम करते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया कुछ टॉप कंपनी का नाम, अगर आप मिस किन कंपनी में है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। मेरा है तो हम इसे डाल देते हैं। उधर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे स्टेट और उसका नाम डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना स्टेपोल्ड्रन, जो कि ये काउंसलिंग करता है एजुकेशन का, उस पर डाल देता हूँ। यहाँ से डाल देंगे और डालने के बाद फिर आएंगे सबमिट करेंगे। सैलरी कितनी मिलती है ये चेक कर लेना है, कैसे मिलती है, बैंक ट्रांसफ़र, कैश चेक। हम यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथली सैलरी कितना है, हम यहाँ पर 12,000 रुपये चेक कर लेते हैं और आई एग्री कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे परमानेंट पेन अकाउंट नंबर को आप देख कर एक बटन डाल दीजिएगा जो पेन नंबर हो। चलिए मैं पेन नंबर देख लेता हूँ और यहाँ पर हम पेन नंबर डाल देते हैं। जीरो एट यहाँ पर डाल के हम आई एग्री एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने एक फिर से आप पूरा आ जाएगा रिव्यू, आप इसको पढ़ लीजिए। कुछ भी गलती है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, बाद दोबारा इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से मिला लीजिए, अगर कुछ भी गलत है तो आप फिर से इसे चेंज कर लीजिए। लेकिन मुझे नाम में डाउट है तो नाम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं किसी और का कर रहा हूँ। चलिए अभी नाम में मिला लिया, सही है। सब चीज़ एक बार चेक करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं, हम वेट करते हैं तब तक। ये पैन कार्ड से ही आपको देखिए पता चल गया कि ये ISMS के द्वारा आपको मिल जाएगा। ये द सोल्ड ओनली टेक फॉर सोल्ड यू कैन नॉट नोटिफाइज ISMS और एलिजिबिलिटी चेक योर लेकिन रेफरेंस बटन पर चेक नहीं। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं।
जी हमें वहाँ पे सबमिट कर दिया, अगर कुछ भी अगर होता है तो आपके ईमेल द्वारा या फिर SMS द्वारा या फिर कॉल के द्वारा आपको ये लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम इसे बैक कर लेते हैं। कंग्रेचुलेसन, आप यहाँ पर देख लेते हैं ये ना, ये कुछ है नहीं, ये प्रचार करती है। कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे फिर, और कंटिन्यू करते हैं, वेट करते हैं अब किस पर खुलता है। अब यहाँ आपको आ गया KYC डॉक्यूमेंट, आपको एक मेल भी मिल गया। जैसे ही आपको ये सबमिट कीजिएगा, आपको एक अपलोड KYC का डॉक्यूमेंट का एक मेल मिल जाता है, आप इस मेल को भी देख लीजिए। चलिए हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक किए, आधार प्रूफ, पैन कार्ड और योर सेल्फी। एक आपको आधार का फोटो खींचना है, एक पैन कार्ड का, और आपको एक सेल्फी लेना है, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने का सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, ये सब चीज़ डाल देना है, फिर बैक आना है आपको। इसके बाद में प्रोफाइल डिटेल्स और प्रोफेशनल, अब आपको यहाँ पर देखना है कि मुझे लोन की कितनी ज़रूरत है। जैसे एक्चुअली मान लीजिए कि मेरे को 50,000 की है, आपकी नीड 2 लाख की है या फिर 1 लाख की है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद में अप्लाई का एक बटन आएगा, इस पर आप कर दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। जैसे कि मैं क्लिक किया, आप एक बार पूरा इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा ये आपको बता रखा है कितना क्या क्या का डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, कैसे कैसे आपको मतलब देना पड़ेगा, आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें, लोन अमाउंट कितना होगा, और रिटर्न का टाइम क्या रहेगा, और इंटरेस्ट कितना रहेगा। इंटरेस्ट यहाँ बता रहा है 0 एनुअल, मतलब कोई नहीं रहेगा इंटरेस्ट। तो ये सबसे आसान मेरे को लगा क्रेडिट भी, आप इसमें ये तरीक़ा से आप इसे कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपके पैसे की नीड हो तो, और ये किसी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाता है। यहाँ पर 25% बाकी इसको कंप्लीट करना, देख सकते हैं। चलिए हम अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो आप आ जाइएगा सीधे यहाँ पे गूगल पे, जैसे कि हम यहाँ पर गूगल ओपन कर दिए, और गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको क्रेडिट वी डॉट इन लिखना होगा, क्रेडिट वी लोगो नहीं, क्रेडिट वी डॉट इन, यहाँ पर क्रेडिट वी डॉट इन लेकर सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक ना एक आप डेस्कटॉप टाइप कर लीजिएगा, जो भी होगा ना कंप्यूटर मोड में खुलेगा तो ये अच्छा रहेगा। हम वेट कर लेते हैं, तब तक देखते हैं क्या होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भी क्रेडिट में अपडेट मिलती है तो सबसे पहले वेबसाइट पर मिलती है, आप वेबसाइट को देख लीजिए, उसके बाद कुछ कहिए, क्योंकि एप्लीकेशन में लेट से मिलता है और वेबसाइट पर जल्दी आ जाता है अपडेट, तो कुछ भी देखना हो तो देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंग्रेचुलेशन लोन योर क्रेडिट का अपलोड योर, और बार बार ईमेल आता जाता रहता है, तो आपको कभी पैसे की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से पैसे ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर यह खुल गया डैशबोर्ड, आप इसका डैशबोर्ड में पूरा चीज़ पढ़ सकते हैं आकर, क्या है अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया कंटेक्टर्स के लिए, अगर आपको अगर कंटेक्ट करना है तो यहाँ पर आप यहाँ कंटेक्ट कर सकते हैं, गेट ओटी पे आकर यहाँ पर सब चीज़ कर सकते हैं। तो मेरे को ये कमाल का लगा क्रेडिट भी, इसलिए मैं इसको रिव्यू किया। तो तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तब तक के लिए बाय।